दुनिया में इन तीन आदमी से कभी भी संपर्क नहीं रखे, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत बुरा होता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, जो आदमी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और दूसरों के पास आपके बारे में हर टाइम बुराई करता है, इस टाइप के इंसान के साथ कभी भी संपर्क नहीं रखे। नंबर दो, कोई भी इंसान अगर आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त मत रखिए जो आज आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ रहे और बुरे टाइम पर नहीं रहे। नंबर तीन, ऐसा इंसान से तो कभी संपर्क नहीं रखे जो इंसान आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये दो बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर दो, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर बना लेता है। यह तीन बातें सुन लो, दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, माँ एक ऐसा बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी आपका सपना पूरा करने की कोशिश करता है। नंबर दो, जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए किसी जानू मानू बेबी सोना अदरक लहसुन पुदीना के पीछे बर्बाद ना करे। आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है। नंबर तीन, पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं जिनके पत्ते भले ही कड़वे हैं पर वह छाया हमेशा ठंडी देते हैं। और हाँ, अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। इन तीन बातों को ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर एक, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। नंबर दो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नंबर तीन, मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पति अगर गुस्सा भी करे तो डांट सुन लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद एक वही ऐसा शख्स है जो आपके सारे नखरे उठाता है। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे। जेब खाली रहने के पांच कारण। नंबर वन, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर टू, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर थ्री, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर फोर, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर फाइव, सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन करना।